हमारा मुकाबला नाजीज से है। अगर नाजीज के पास बॉम्ब हो, वो लोग हमसे 12 महीने आगे हैं। 18। और ये बात तुम कैसे जानते हो? चलो कुछ साइंटिस्ट भर्ती करते हैं। दुनिया तबाह हो सकती है, इसके चांसेस लगभग जीरो है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे क्रिस्टोफर नोलन के डायरेक्शन में बनी वर्ल्ड वार 2 पर आधारित फिल्म ओपेनहाइमर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे बायोग्राफी ड्रामा फिल्म ओपेनहाइमर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 की। तो फिल्म ओपेनहाइमर ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के अंदर 2.75 करोड़ की कमाई की है। इसी के साथ फिल्म ओपेनहाइमर का फ्रॉम डे 12 तक इंडिया बॉक्स ऑफिस से 97.75 करोड़ की कमाई कर चुकी है। और दोस्तों फिल्म इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ की आंकड़े की बेहद नजदीक पहुंच चुकी है। वहीं दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस पर नजर डाले तो फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से $405 मिलियन की आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें से फिल्म का $174 मिलियन यूएसए बॉक्स ऑफिस से है, तो वहीं फिल्म का $231 मिलियन ओवरसीज मार्केट से है। फिल्म ओपेनहाइमर के बजट की बात करें तो फिल्म को $100 मिलियन के बजट में तैयार किया गया था। वहीं दोस्तों फिल्म की बात करें तो फिल्म एक बायोग्राफी ड्रामा फिल्म है, जो कि परमाणु बम के जनक जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जिंदगी पर आधारित फिल्म है। फिल्म ओपेनहाइमर दोस्तों क्या अपने दूसरे हफ्ते तक आते आते इंडिया बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर पाएगी या नहीं, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं मार्गरेट रॉबी एंड रियान गोस्लिंग स्टार फिल्म बार्बी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म बार्बी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 12 की। तो फिल्म बार्बी कलेक्शन करने के मामले में इंडिया बॉक्स ऑफिस पर डाउन हो चुकी है, लेकिन फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर बुलेट की रफ्तार से कमाई कर रही है। फिल्म बार्बी के डे 12 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म बार्बी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 12 के अंदर इंडिया बॉक्स ऑफिस से 0.85 करोड़ की कमाई की। इसी के साथ फिल्म बार्बी का इंडिया बॉक्स ऑफिस से टोटल 37.02 करोड़ की ही कमाई कर सकी है। तो वहीं दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात कर ले तो फिल्म बार्बी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से $800 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म बार्बी को ओवरऑल $145 मिलियन के बजट में तैयार किया गया था। इंडियन करेंसी में फिल्म को 1190 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। और दोस्तों फिल्म बार्बी अपने $145 मिलियन के मुकाबले वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ $800 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है। फिल्म बार्बी दोस्तों ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही है। फिल्म को दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस बेहतरीन फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं टॉम क्रूज की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग पार्ट 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 21 की। तो दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 आज बॉक्स ऑफिस पर अपने तीसरे हफ्ते को कंप्लीट कर चुकी है। फिल्म मिशन इम्पॉसिबल के तीसरे हफ्ते तक आते आते टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 104.15 करोड़ की कमाई की है। वहीं फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से $450 मिलियन के आंकड़े को पार कर चुकी है, जिसमें से फिल्म का $141 मिलियन यूएसए बॉक्स ऑफिस से कमाई की है, तो वहीं फिल्म का $309 मिलियन ओवरसीज मार्केट से कमाई कर चुकी है। दोस्तों फिल्म के बजट की बात करें तो फिल्म मिशन इम्पॉसिबल को ओवरऑल $291 मिलियन के बजट में तैयार किया गया था। दोस्तों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 टॉम क्रूज की एक्शन स्पाई थ्रिलर फिल्म है। फिल्म में टॉम क्रूज के द्वारा जबरदस्त एक्शन और स्टंट देखने को मिल रहे हैं। दोस्तों फिल्म मिशन इम्पॉसिबल 7 टॉम क्रूज की वन ऑफ द ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक है। फिल्म को अगर आपने मिस किया है तो नजदीकी थिएटर्स में जाके इस बेहतरीन फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं करण जौहर के डायरेक्शन में एंड प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 के बारे में। दोस्तों बात करेंगे आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 5 की। तो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। फिल्म अभी अपने शुरुआती दिनों में है और ऑडियंस को सिनेमा घरों में खींचने में पूरी तरह से कामयाब रही है। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के डे 5 कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस डे 5 के अंदर 7 करोड़ की टोटल कमाई की है। इसी के साथ फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टोटल इंडिया बॉक्स ऑफिस से 59.92 करोड़ की टोटल नेट कमाई कर चुकी है। तो वहीं दोस्तों फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस की बात करें तो फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का टोटल वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो चुका है। फिल्म टोटल 105 करोड़ की टोटल ग्रॉस कमाई
ठहर चुकी है, जिसमें से फिल्म का 43 करोड़ ओवरसीज मार्केट से है। फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बजट की बात करें तो फिल्म को ओवरऑल 180 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। 160 करोड़ प्रोडक्शन कॉस्ट है तो 20 करोड़ प्रिंट्स एंड एडवर्टाइजिंग पर खर्चे हुए हैं। दोस्तों, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी आपने देखी या ना देखी, आपको ये फिल्म कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों, ये था लेखा जोखा हाल फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। ये पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।